अब कुछ घंटे और इंतजार, सरकार ले आई है आपके लिए कॉन्टेस्ट। दोस्तों लगातार पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बस थोड़ा इंतजार हम ला रहे हैं आपके लिए कुछ खास, तो ये आपका इंतजार अब कुछ घंटों का रह ही रहा है, क्योंकि सरकार अब प्रदेश की जनता के लिए एक ऐसा कॉन्टेस्ट ले आई है जिसमें सरकारी योजनाओं का प्रचार जनता खुद करेगी। सरकार महंगाई राहत कैंप के तहत जो 10 योजनाएं सरकार ने निकाली है, उस 10 योजनाओं का प्रचार कराने के लिए राजस्थान सरकार एक ऐसा पिटारा लेकर आई है, इनामी पिटारा, जिसके तहत जनता खुद ही रोज वीडियो अपनी साइट पर अपलोड कर सकेंगे और जिसके बदले में जो एक जूरी बैठेगी और जूरी विजेताओं का चयन करेगी और उसमें चयन विजेता रहने वाले प्रथम व्यक्ति को 1,00,000 रुपए, द्वितीय नंबर पर आने वाले को 50,000 रुपए और तीसरे नंबर आने वाले को 25,000 रुपए और तमाम जो बाकी जो लोग भाग लेंगे उनको सांत्वना के रूप पर 1,000 रुपए का इनाम सरकार देगी। अब इसको लेकर लोगों में काफी इंतजार था, उत्सुकता थी कि आखिर क्या पिटारा लाने वाली है और महंगाई राहत कैंप के बाद जो सरकार की 10 योजनाएं आई थी उस 10 योजनाओं का किस तरीके से लोगों को लाभ मिला है, उनसे कितनी राहत मिली है महंगाई राहत कैंप के तहत, उन तमाम चीजों को लेकर ये लोग करेंगे। तो आप ये देखिए कि jansamman.rajasthan.government.in ये जो वेबसाइट है इसके तहत आपको इस पर वीडियो अपलोड करने होंगे या फिर अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर इस सरकार का पूरा वीडियो अपलोड करना होगा और इसको लेकर सरकार कल इसका जो लॉन्च करेगी, तो ये किस तरीके का कॉन्टेस्ट है और लोगों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, मैं इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजदान है। तेजदान जी, सरकार लेकर आई है बस थोड़ा इंतजार कुछ खास काले कॉन्टेस्ट लेकर आ रही, ऐसी चर्चाएं हैं, सरकारी योजनाओं का प्रचार आपको ही करना, उसके बदले में इनाम मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नाम तो ठीक है लेकिन जन कल्याणकारी योजना राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इससे आम जन को फायदा मिला। इस कॉन्टेस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, किस उत्सुकता थी, क्योंकि आप देखिए पोस्टर जो है ये अलग अलग जगहों पर, उत्सुकता तो थी, क्या आने वाला है? अच्छा आप बताएं सर क्या नाम है आपका? नाथाराम। नाथाराम जी, क्या लग रहा है, कैसा कॉन्टेस्ट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आने के बाद बता देगा ये, अब सरकार ऐसी चर्चा है कि कॉन्टेस्ट आया जिसकी योजनाओं का प्रचार आपको खुद को करना है, बना के करना है, तो ये अपने आप में क्या महंगाई राहत कैंप के तहत क्या आपको क्या करना अच्छा है? अच्छा है। आप बताए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश गोदर है सर। हरीश, ये सरकार एक कॉन्टेस्ट लेकर आ रही है कि आप सरकारी योजनाओं का प्रचार अब जनता खुद करेगी, तो कहीं ना कहीं महंगाई राहत कैंप कैसा रहा, तो क्या कहना चाहेंगे हरीश सर? महंगाई राहत कैंप में हमेशा अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। आप सर इधर आए, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण बोथरा। प्रवीण जी, ये एक सरकार लेकर आई है, आप देखिए कल एक कॉन्टेस्ट रिलीज करने वाली, ऐसी चर्चाएं हैं, तो इसको लेकर लोगों में उत्सुकता भी थी, अब आपका क्या कहना है, किस तरह का कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि महंगाई राहत कैंप में 2-10 योजनाएं थी उसका लाभ प्रचार अब जनता खुद करेगी? देखिए जनता सरकार ये समझ गई है कि जनता क्या चाहती है और जनता की भावनाओं को समझते हुए, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सरकार ने इसी की एक योजना बनाई और पब्लिक के बीच में डाली है कि आप अपना प्रचार खुद कीजिए, योजनाओं का लाभ जो आपको मिला है उसकी बात आप पब्लिक तक रखिए, पब्लिक को समझाएगी कि किस तरह से सरकार ने आपके लिए काम, आप में कैसा कॉन्टेस्ट होगा, लोगों में कैसी उत्सुकता रहेगी? देखिए अब तक आपने सुना होगा कंपनियां कॉन्टेस्ट ला रही है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां कॉन्टेस्ट ला रही थी तो लोगों को लगता था यार कंपनी ये कर रही है वो कर रही है ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, लेकिन सरकार ने जन भावनाओं को समझते हुए पब्लिक को पब्लिक के द्वारा मैसेज देने का जो काम है, मेरे हिसाब से एक अनूठा प्रयोग है और सरकार चाहती है वो अंतिम छोर तक पहुंचने की बात सरकार हर बार करती आ रही है, लेकिन ये इनोवेशन है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेगा। निश्चित रूप से आप देखिए तमाम लोग जो है अपने अपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो सरकार कॉन्टेस्ट लेकर आ रही है वो अपने आप में महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजनाएं हैं उस 10 योजनाओं का प्रचार कैसे करें, उनका लाभ मिला है तो उसको लेकर क्या फायदा हुआ है, तमाम प्रकार के वीडियो लोग बना करके अपने सोशल साइट्स पर या फिर जन सम्मान जो फेसबुक पेज है उस पर को टैग करके, सरकार को टैग करके और इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप लोग वो जो है वीडियो कर सकते हैं। हालांकि इसकी पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है वो कल आएगी, क्योंकि कल ये रिलीज होगा और लोगों को इस चीज का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर ये कॉन्टेस्ट आम लोगों के लिए कितना कारगर होगा, क्योंकि ये देश में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई सरकार की योजनाओं का प्रचार जनता उस प्रदेश की करें।